सो बेसिकली ऐसा है कि ये जो टॉपिक मैंने रखा है हाउ टू हैंडल प्रेशर सिचुएशन इन अ क्रिकेट मैच, ये टॉपिक सिर्फ एक क्रिकेट उस तक नहीं अप्लीकेबल है, ये आपकी लाइफ में भी और किसी की लाइफ में भी अप्लीकेबल हो सकता है। तो पहले मैं बताऊंगा कि मैं इस टॉपिक पे क्यों ऐसा बोल रहा हूँ। एक्चुअली आपने अगर मेरी पहले की वीडियोस देखी होंगी तो मैंने काफी अच्छे समझाया कि मैं क्या करता हूँ, क्यों करता हूँ। बट अगर इन शॉर्ट बोले, क्रिकेट चालू कर रहा हूँ और क्रिकेट मैं पहले खेलता था, तो जब मैं पहले खेलता था बहुत सारी प्रेशर सिचुएशन में आके मैंने एक डिसीजन ले लिया था कि मैं क्रिकेट को छोड़ देता। जो मैंने प्रेशर सिचुएशन में आके क्रिकेट छोड़ने का डिसीजन लिया था वो काफी एक बड़ा डिसीजन हो सकता था, बट अब मैं फिर से कमबैक कर रहा हूँ। तो अब मैं ऐसे ही कमबैक नहीं कर रहा, जो प्रेशर सिचुएशन की वजह से मैंने जो चीज़ छोड़ी थी अब मैं उसको अच्छे से टैकल कर पा रहा हूँ। अब मेरे को पता है कि कैसे प्रेशर सिचुएशन में परफॉर्म करना चाहिए क्रिकेट में और लाइफ में कैसे, तो वही चीज़ मैं आपको बताऊँगा एंड इस वीडियो में। और काफ़ी एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होगा। और क्रिकेट एक ऐसा गेम है जिसमें अगर आप अपने आप को प्रेशर सिचुएशन में अच्छा परफॉर्म नहीं करवा सकते तो आप टॉप लेवल पे नहीं खेल सकते। जैसे आपको पता, अगर आप मैच खेल रहे हो और आपकी टीम है 14 पे 5 विकेट और आपको 150 रन मारने 20 ओवर में, तो अगर आप प्रेशर सिचुएशन में यूज्ड टू नहीं हो कैसे खेले उसमें, तो आप काफ़ी जल्दी उसमें आउट हो जाओगे और अपॉर्चुनिटी लूज कर जाओगे। और जो सेलेक्टर्स होते हैं, कोई बड़ा प्लेयर होता है, वो हमेशा उसी प्लेयर को सिलेक्ट करता है जो किसी टीम को बिल्कुल ज़मीन से ऊपर लेके जाता है ना। सिलेक्टर उसको सिलेक्ट नहीं करता जिसने 5 विकेट लिया 100 रन मारे, सिलेक्टर उसको सिलेक्ट करता जो कि एक टीम जो हारी होती है उसको जिता देता। अगर आपको आगे लेवल तक जाना है और एक बहुत बढ़िया क्रिकेटर बनना है तो आपके अंदर ये स्किल्स तो होनी चाहिए कि प्रेशर सिचुएशन में कैसे बढ़िया करें, और इसी के बारे में ये वीडियो होने वाला। तो अगर सबसे पहले बात करें कि कैसे हम प्रेशर सिचुएशन में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, उसका सबसे पहला पॉइंट है कि हमको अपनी ऑब्जर्वेशन चीज़ बढ़ानी पड़ेगी। अब ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे ये वीडियो बन रहा है तो आप मेरी वीडियो को देख रहे हो, आप क्या हो रहा है कि बस मेरी बातों को सुन रहे हो, बट अगर आप एक रियल ऑब्जर्वर होगे तो आप समझ रहे हो कि मैं कैसे क्या बोल रहा हूँ। आप ये भी बोल पा रहे हो कि मैं किस एनर्जी से बातें बोल पा रहा हूँ, है ना। तो अगर आपके अंदर वो चीज़ ऑब्जर्वेशन वाली स्किल अभी आ जाएगी तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा डेटा मिलेगा, है ना। आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को, ऐसी चीज़ों को ऑब्जर्व करवाओगे जो बाकी लोग नहीं देख पाते, तो उससे आप एक ऐसा डेटा निकाल पाओगे और उसी के अकॉर्डिंग आप प्लानिंग करोगे और प्लानिंग के से आप एग्जीक्यूशन करोगे और एग्जीक्यूशन से आप काफ़ी पेशेंटली परफॉर्म कर पाओगे एक प्रेशर सिचुएशन में। और एक जो रूल मैं हमेशा फॉलो करता हूँ वो ये होता है कि प्लानिंग रिड्यूसेस प्रेशर। अगर आप किसी चीज़ को प्लान करके चलते हो तो आप ऑटोमेटिकली प्रेशर रिड्यूस करते हो। प्रेशर का मतलब बेसिकली क्या होता है, जब हम अपने रिजल्ट्स के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, जब हम मैच खेलने जा रहे हैं, है ना, और हमारे 14 पे 5 विकेट हैं, है ना, और हमारी टीम बिल्कुल हारने वाली है, तो उस पर हम क्या सोच रहे हैं कि हमको अपनी टीम को जितवाना है, तभी तो प्रेशर आ रहा है। अगर हम ये सोचें ना कि हमको टीम को जितवाना है, हम सोचें कि हम इस इनिंग को कैसे बिल्ड कर सकते हैं, है ना, हम इस इनिंग में कैसे मैं 20 ओवर तक अपने गेम को लेकर जा सकता हूँ। अगर हम इन चीज़ों के बारे में सोचें और उसको एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर में ब्रेक कर दें तो काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए आसान हो जाएगा कि हम कैसे अपनी इनिंग को करें और विदाउट एनी प्रेशर के हम खेल पाएंगे। बट हम प्लानिंग कब कर पाएंगे, जब हमारे पास एक अच्छा खासा डेटा होगा, और वो डेटा तुमको गूगल पे जाके नहीं मिलेगा क्योंकि गूगल पे इतना डेटा ही नहीं है। वो डेटा आपको कहाँ से मिलेगा, वो डेटा आपको खुद से निकालना पड़ेगा। अभी जो मैं आपको डेटा बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सचिन तेंदुलकर की कोई मैं मास्टर क्लास में गया तो उन्होंने मेरे को बताया, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने खुद की ऑब्जर्वेशन से चीज़ें ऑब्जर्व करी कि क्रिकेट मैच में एक्चुअली चलता क्या, मैं कैसे बैटिंग करता हूँ, मैंने क्या क्या सिचुएशन फेस करी है और क्या क्या फेलियर्स है, क्या क्या चीज़ है, तो उसके हिसाब से कुछ डेटा मैंने निकाला और मेरे को कुछ पैटर्न दिखते थे तो उसी के हिसाब से मैंने अपनी प्लानिंग एग्जीक्यूट करी। तो पहला पॉइंट तो ये कि आपको अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल्स बढ़ानी पड़ेगी। अब दूसरा पॉइंट बेसिकली ये कि आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, है ना। मोस्ट ऑफ द जो लोग हैं जो भी मैच खेलने जा रहे हैं, या तो बॉलर बैट्समैन है, वो प्लानिंग करते ही नहीं है। अगर उनसे मैं पूछता हूँ, जैसे मेरे बहुत सारे लोग हैं, जैसे मैं बीन बेस्ट ऑनलाइन क्रिकेट अकेडमी में कोचिंग भी देता हूँ माइंड सेट और फिटनेस की, तो उनको मैं सबसे पहले प्लानिंग करने सिखाता हूँ कि आपको अपनी इनिंग को प्लान कैसे करना है, चाहे बॉलर और बैट्समैन हो। अब प्लानिंग से क्या होता है कि आप अपने जो आपका रिजल्ट होता है आप उसके बारे में भूल जाते हो। आपको होता है कि मुझे बस अपने प्लान को एग्जीक्यूट करके आना है, है ना। अब प्लान से एग्जीक्यूट करने से क्या होता है कि आपको बस एक अपने 3 स्टेप्स होते हैं उसको फॉलो करना है। अगर 3 स्टेप फॉलो करोगे तो रिजल्ट खुद ही मिल ही जाएगा, है ना। रिजल्ट सोचने से कभी आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, रिजल्ट में जो रिजल्ट के लिए जो काम करना पड़ता है उसको करने से मिलेगा। तीसरा जो चीज़ है एग्जीक्यूशन। देखो यार, तुमने जो भी बातें सुन ली उसको तुम एग्जीक्यूट नहीं करोगे तो ऑब्वियसली बात है कुछ होने नहीं वाला। तो एग्जीक्यूट का सिंपल तुम्हें कैसे करना है, अब अगर क्रिकेट में बात करें तो तुमको अपनी हर बॉल पे एक प्रोसेस बनाना पड़ेगा कि तुम्हें हर बॉल में 2-3 स्टेप ऐसे क्या होंगे जिसको तुम हर बॉल पे रिपीट करने वाले हो, जो तुमको फोकस करने में हेल्प करते होंगे। फॉर एग्जांपल मेरा क्या होता है, पहले अपना स्टांस लिया और फिर थोड़ा मतलब ऐसे करके अपने इसको ऐसे करके देखा हमने एंड हेड बिल्कुल स्टेबल करा और बॉल को नीचे खेला, ये मेरा बस मूवमेंट होता है। इसको मैं हर बॉल पे रिपीट करने का ट्राई करता हूँ और ट्राई करता हूँ कि मैं इसको इंप्रूव करूँ हर बॉल पे। यही चीज़ होती है, आपको भी कुछ ना कुछ अपना प्रोसेस बनाओ कि 2-3 स्टेप ऐसे जो आप हर बॉल पे रिपीट करो, उससे आपको फोकस करने में आसानी होगी और अगर आप फोकस कर पाओगे तो प्लानिंग को भी एग्जीक्यूट कर पाओगे। तो वही चीज़ है। और लास्ट जो पॉइंट है वो है कि आपका इम्प्रोवाइजेशन। क्रिकेट एक्चुअली एक ऐसा गेम है जिसमें आपको हर मैच में अलग अलग सिचुएशन मिलती है जो आपने कभी पहले फेस ही नहीं करी हो, तो आपको अपनी प्लानिंग को भी हमेशा अपडेट करना पड़ता है। आपको हमेशा अपने आप से पूछना पड़ता है कि इस
इस मैच में मैंने क्या सीखा जो मैं अपनी प्लान में इंक्लूड कर सकता हूँ, जिससे मेरा प्लान और अच्छे से अपडेट हो सकता है इस करंट इन्वायरमेंट की वजह से। और आपको अपने प्लानिंग में से हमेशा एक चीज़ ऐड करनी है और एक चीज़ रिड्यूस भी करनी है। रिड्यूस वो चीज़ करनी जो बहुत टाइम से काम नहीं आ रही है ना, और एक चीज़ ऐड ऐसी करनी जो काफ़ी टाइम से आप देख रहे हो कि चीज़ काफ़ी यूज हो रही है बट आपने अपनी प्लानिंग नहीं डाली। तो ऐसे अपनी प्लानिंग को इम्प्रोवाइज कर जाना। अरे जैसे हमारा एप्पल होता है, वो पहले 10 निकालता, 11 निकालता, 12 निकालता, वो निकाल क्यों ऐसा रहा, क्योंकि उसको पता है कि अगर हम अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे तो अपने अपनी जो हमारी प्रेजेंस है वो मार्केट से हट जाएगी। तो हमको भी अपने आप को अपडेट रखना पड़ेगा अगर हमको इस गेम में सर्वाइव रखना है। अगर आपको भी और अच्छे से इम्प्रूव करना है अपने आप को, कि अगर आपको मेरे पॉइंट तो समझ में आ गए बट आपको ये समझ जा रहा कि इसको मैं कैसे स्टेप बाय स्टेप करूँ, तो आप मेरे को मेरे व्हाट्सएप ग्रुप है उसका मैं लिंक डाल दूंगा, उसमें आके आओ और मेरे को पर्सनली डीएम करो कि हमारे जो बीन बेस्ट ऑनलाइन क्रिकेट अकेडमी है उसमें मैं ये चीज़ आपको पर्सनली सिखाता हूँ कि कैसे आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ें वो कर सकते हो। तो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो तो आप मेरे को ये जो मैंने लिंक डाला है उसमें जाके ज्वाइन करके और मेरे को वहाँ पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। एंड बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, इसको शेयर करो अपने दोस्तों से, एंड काफ़ी वैल्यूबल लगा तो बहुत बढ़िया। और एक चीज़ मैं आपको इस वीडियो को एक नोट पर ख़त्म करते जाऊँगा कि डोंट जज योरसेल्फ बाय द रिजल्ट्स यू गेट, जज योर सेल्फ बाय द प्रोसेस यू फॉलो। तो चलते हैं एंड बाय। बस बढ़िया चल। अरे अरे, अरे। फंस गया। और हमारे रवि भाई शूटिंग कर रहे हैं। धन्यवाद।